सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और उसके बाद इस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं, घंटे को भी दबाएं, ताकि आप वीडियोज हमारी सबसे पहले देख पाएं जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप कमेंट करना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चूड़ीदार सलवार सिलना सिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने सलवार पहले से ही कटिंग कर रखी है। सबसे पहले हम इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे, इस तिरछी पट्टी को इस तरीके से रख के इसमें सिलाई करेंगे। और सिलाई करने के बाद हम एक ऊपर से सिलाई करेंगे इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ऊपर से एक सिलाई करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने एक पट्टी जोड़ ली है। अब हम इसी तरीके से दूसरी पट्टी जोड़ेंगे। दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरीके से रखेंगे और फिर इसमें सिलाई करेंगे इस तरीके से। दूसरी पट्टी में भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। सीधी सिलाई इस तरीके से लगाते जाएंगी और सिलाई लगाने के बाद हम एक ऊपर से सिलाई करेंगे इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से हमने ऊपर से भी सिलाई लगा ली है। इस तरीके से देखिए, हमारा एक पोंचा तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमने दूसरा पोंचा बनाया है और दूसरा पोंचा बनाने के बाद हम म्यानी जोड़ेंगे। अब हम इस तरीके से म्यानी को इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। फिर हम ऊपर से एक सिलाई करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने म्यानी जोड़ लिया है। अब हम इस तरीके से दोनों पीस को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ऊपर से एक सिलाई करेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी म्यानी जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने म्यानी को जोड़ दिया है। अब हम दूसरी म्यानी जोड़ेंगे। दूसरी म्यानी जोड़ने के बाद हम एक ऊपर से सिलाई करेंगे। फिर हम दोनों पीस को इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर हम इस तरीके से ऊपर से सिलाई करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने दोनों म्यानी को जोड़ लिया है। अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे इस तरीके से। बेल्ट में ऊपर से सिलाई करेंगे। फिर हम किनारे से इस तरीके से सिलाई करेंगे। इसी तरीके से देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरीके से डबल करके पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से डबल सिलाई कर देंगे।
तो देखिए इस तरीके से हम आसन के ऊपर इस तरीके से इस बेल्ट को रखेंगे और यहीं से हम सलवार में बेल्ट को जोड़ेंगे। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर हम दो प्लेटें पीछे से डालेंगे। पहले हम इस तरीके से इधर से प्लेटें डालेंगे और इधर से प्लेटें डालने के बाद हम उधर से प्लेटें डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने बेल्ट जोड़ लिया है। अब हम ऊपर से एक सिलाई करेंगे। यहाँ से पूरे में इसी तरीके से ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे से पोंचे में सिलाई करेंगे। इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसमें सिलाई करेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और ऐसे ही हम दूसरे पोंचे में भी सिलाई करेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों पाँचों में सिलाई कर ली है। अब हम पैजामे की फिटिंग करेंगे। इस तरीके से हम पाँचे की चौड़ाई नापेंगे। पाँचे की चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे। यहाँ पर 6 इंच पर सिलाई करेंगे। पूरे में इसी तरीके से हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरे पोंचे की भी हम चौड़ाई 6 इंच रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से हमारी चूड़ीदार पैजामी सिल गई है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।